नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि ज्ञानवापी में एसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है और इस सर्वे से घमासान होगा या बयानों से देखने को मिलेगा समाधान। ये तमाम तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा की जाएंगी। ज्ञानवापी परिसर का जिक्र जरूरी, एएसआई का सर्वे जारी है। परिसर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। दोनों पक्ष के वकील सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुस्लिम पक्ष के 9, हिंदू पक्ष के 7 लोग शामिल है। ज्ञानवापी में एएसआई टीम सर्वे कर रही है। दोनों पक्षों के वकील सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त यानी कि भोर की तस्वीर है जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में दाखिल होने के लिए चहलकदमी कर रही थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान देखे, पुलिस भी आपको नजर आएगी खाकी ग्राउंड पर लोगों को साइड होने का इशारा करती हुई और साथ में प्रशासन का लाव लश्कर भी मौजूद है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मदन मोहन। मदन मोहन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि आज देखिए सर्वे का दूसरा दिन है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तीन भागों में डिवाइड किया गया है परिसर को, किस तरीके के अपग्रेडेशन अभी तक की हुई है? मुझे बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए कि आज एएसआई सर्वे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है एएसआई की टीम जो है लगभग अगर बात करें तो 8 बजे एएसआई की टीम जो है यहाँ परिसर के अंदर प्रवेश कर गई। हालांकि सर्वे का कार्य जो है 9 बजे शुरू होना था, वही वादी पक्षकार के तमाम अधिवक्ता हैं या वादनी हैं वो लगभग 9:15 बजे के आसपास जो है यहाँ पे आए और उसके बाद जो है अंजुमन जामिया की तरफ से भी जो है अधिवक्ता जो है यहाँ पे आज पहुंचे। हालांकि कल जिस तरह से सर्वे का काम हुआ था, लगभग 5.5 घंटे का सर्वे हुआ। 5.5 घंटे सर्वे होने के बाद जो है कहा जाए तो कल कोई भी अंजुमन इंतजामिया की तरफ से नहीं आया था, वही आज लगभग 9 अधिवक्ता जो है अंजुमन इंतजामिया की तरफ से आए हैं। हालांकि एक अभी जो है आपको बता दूं कि अपडेट ये है कि अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता मोहम्मद मुमताज जो है वो बाहर निकले और उन्होंने बताया कि एएसआई जो है सिर्फ अभी जो है मैपिंग कर रही है। हालांकि ये जो मैपिंग का कार्य जो है पहले ही एएसआई जो है वहां पे कर चुकी है। अब जो है वहां पे कहा जाए तो डीपीआर से जो है वो जीपी से जो है उसकी मैपिंग की जा रही है और मैपिंग के बाद जो है वो तमाम वो चीजें जो है उसमें जो है नजर आई है जिनको कहा जाए नागर सिटी लिपि से जो है वहां पे बनी हुई थी, जिसके पश्चिमी दीवारें मेन उनका फोकस था तो पश्चिमी दीवारों पे जो है वो फोकस है ज्यादातर की भी है। तो वहां पे जो नागर लिपि में जो वहां पे सिर्फ दिले हैं उन चीजों को वो देख रही है, बारीकियों से देख रही है, एक एक चीज को देख रही है। हालांकि इसको जो है तीन भागों में अलग अलग कर करके जो है इसको बांटा गया। वहीं अगर बात करें तो एएसआई के लगभग 33 से लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कहा जाए तो बिहार, दिल्ली और लखनऊ से लोग यहाँ पे आए हैं। हालांकि कानपुर के जो आईआईटी के लोग भी हैं वो भी जो है कहा जाए तैयार है, जैसे एएसआई का अगर उनको जो है आदेश मिलता है तो वो भी जो है कानपुर से जो लोग जो है निकल जाएंगे। तो फिलहाल अगर ये बात की जाए कि लगभग जो है मदन मोहन, अगर आपके पास इस बात की जानकारी मौजूद है तो प्लीज तमाम दर्शकों के साथ साझा कीजिए। कहा जा रहा था कि इस सर्वे में 51 लोगों की टीम हिस्सा ले रही है, क्या 51 लोग जिनका जिक्र हो रहा है उसमें सारे के सारे एएसआई के कर्मचारी हैं या फिर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनको भी कंबाइंड करके काउंट किया जा रहा है? फिलहाल जो इससे क्या बात है कि 33, मैंने जैसा पहले ही बताया कि 33 लोग जो है एएसआई के लोग जो है, बाकी जो कहा जाए तो हिंदू पक्षकार के लगभग कहा जाए तो 7 लोग हैं। वहीं अगर 9 की बात की जा रही तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है 9 लोग आज शामिल होने के, तो इन सभी को मिलाकर के लगभग 51 लोग हैं। हालांकि जिस तरह से बात की जा रही थी कि एक टीम और जो है सेफ रखी गई है कि उनकी जब जरूरत पड़ेगी तो मतलब उनको भी बुलाया जाएगा, तो इस तरह से अगर कहा जाए तो 64 लोग जो है एएसआई के टीम में जो है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 33 लोग ही जो है आज परिसर के अंदर में गए हैं, जो हम लोग को ये जानकारी होकर के आ रही है। जी ठीक है मदन, हो सके तो इस बात का भी जिक्र कीजिए। देखिए जीपीआर टेक्निक का यूज हो रहा है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसका इस टेक्निक का यूज करके सर्वे किया जा रहा है, तो किस तरीके से इस टेक्निक का यूज हो रहा है, क्या इसके लिए कुछ हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है या फिर कुछ मशीनें ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं उन्हीं के जरिए सर्वे किया जा रहा है, किस तरीके के इंतजाम नजर आ रहे हैं?
देखिए पूजा, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जब एएसआई की जब टीम गई थी तो उनके पास जो है कोई बड़े इक्विपमेंट नहीं थे, वो छोटे जो है एक केस के अंदर में थे, तीन चार की संख्या में वो थे, तो जिसमें जो है वो जीपीआर टेक्निक से जो है फिलहाल उसमें किया जा रहा है खुदाई कहीं पे। मदन आप हमारे साथ में बने रहिए, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, जो वादी है रेखा वो क्या कुछ कह रही है तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। एक महीने तक सर्वे चलेगा और आज देखिए अगर मुसलमान भाई लोग सहयोग करेंगे तो हम तहखाने की भी जांच हो सकती है। हाँ चाबी मतलब देखिए आप ही लोग तो कह रहे हैं कि आज सहयोग कर तो तहखाने की बहुत बड़ी बात है। हाँ सब सब सामने आएगा। मदन देखिए यहाँ पर रेखा जो कि वादी है उनका साफ तौर पर कहना है कि तहखाने की भी जांच हो सकती है, उसकी चाबी हमारे पास आ गई है और मुस्लिम भाई अगर सपोर्ट करेंगे तो जांच से बहुत कुछ निकलने वाला है। किस तरीके की स्थिति ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं? अंजुमन इंतजामे के जो अधिवक्ता थे मोहम्मद मुमताज वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमने अभी कोई भी चाबी जो है उनको नहीं सौंपी है, जहां जरूरत पड़ी जाएगी वहां का ताला खोला जाएगा लेकिन चाबी हम उनको सुपुर्द नहीं करेंगे। तो इस तरह से कहा जाए तो रेखा पाठक ने भी यही कहा है कि कल जिस तरह से चाबी नहीं मिली थी अगर आज वो चाबी मिलती है तहखाने की चाबी मिलती है तो उसको भी खोला जाएगा। तो इसमें अंजुमन निजामिया से जो है ना सहयोग की बात की थी, मुस्लिम पत्रकार से सहयोग की बात की थी, तो हालांकि कल जिस तरह से हमने पहले बताया कि कल लोग जो है वो शामिल नहीं हुए थे अंजुमन निजामिया की तरफ से लेकिन आज शामिल हुए हैं। चाबी की जहां तक बात आ रही है तो उन्होंने खोलने की बात कही कि तहखाने को जो है खोल दिया जाएगा लेकिन चाबी जो है उनको नहीं दी जाएगी। साफ तौर से जो है कहा जाए तो मोहम्मद जो मुमताज थे जो अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। फिलहाल जब वो निकले तो उनसे ये भी सवाल किया गया कि अभी सर्वे का जब शुरू हो रहा है आप लोग अभी एंट्री ही किए थे तो आप लोग बाहर कैसे मतलब उसमें चले जा रहे हैं, क्या आप सहयोग नहीं आपके तरफ होगा क्या? चलिए मदन आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस बीच वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम सर्वे कर रही है, ये ओवैसी का कहना है। तो वहीं इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा एक बार जब ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो कौन जानता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। आशा है कि ना तो 23 दिसंबर और ना ही 6 दिसंबर की पुनरावृत्ति होगी। पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता के संबंध में अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। आशा ये कि 1000 बाबरियों के लिए फ्लड गेट्स नहीं खोले जाएंगे। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ये आज पहली बार नहीं है बल्कि कई बार आशंका जता चुके हैं कि अयोध्या के जैसा दृश्य नहीं दिखाई देना चाहिए। सर्वे में जो अंदर हिस्सा का सर्वे होना था वो मेजरमेंट कर रहे हैं, सिर्फ नाप कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं, नाप कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं बस। नहीं नहीं खुदाई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मना कर दिया है कि खुदाई नहीं करना है इसलिए कुछ नहीं कर रहे, वो टच भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नाप जो कभी कर अभी नाप कर रहे हैं उसके बाद मैकेनिज्म और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वो बता तो रहे हैं सिर्फ नाप कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो तो अभी कुछ नहीं, अभी तो खाली मेजर कर रहे हैं कौन दीवार कितनी लंबी। अरे उसी के नीचे गुंबद नीचे खड़े हैं लोग, दो वकील हैं और कमेटी के दो तीन आदमी और बस। हम लोग कभी थोड़ी कर संतुष्ट हैं, सर्वे सब जो उनका काम करेंगे ही। अभी ये कि हाउ कैन आई से रिपोर्ट जब आएगी उसको देखेगा आदमी तब बताएगा कि इससे संतुष्ट कैसे फोरकास्टिंग कैसे। नो 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 इट इज एब्सर्ड क्वेश्चन।